हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप? HSSC की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। ये जो अपडेट आई है, ये क्लर्क भर्ती को लेकर आई है। वैसे मैंने कल इसकी वीडियो बना दी थी, आज न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिटेल से लिखा गया है। और HSSC को फटकार भी लगी है, HSSC को नसीहत भी दी गई है। HSSC को यदि ऐसा मामला दोबारा से आता है तो कोर्ट का जितना भी खर्चा होगा आवेदकों का, वो भी आयोग उठाएगा, HSSC उठाएगा। पूरा मामला समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, पूरे हरियाणा में इतिहास में पहली बार नॉलेज टीवी देसी ताऊ ऐसे सहयोगी संस्थान लेके आए हैं आप सभी के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। और दोस्तों, 30 अप्रैल को, इस शनिवार को, टेस्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसके रजिस्ट्रेशन आज बंद हो जाएंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस टेस्ट के लिए, तो आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरे हरियाणा में हमारे 41 सेंटर है जहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको ऑल हरियाणा लेवल पर आपकी रैंकिंग बताई जाएगी, आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है ये चीज़ भी आपको बताई जाएगी। तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, आज लास्ट डेट है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं क्लर्क भर्ती के ऊपर, क्या है पूरा का पूरा मामला। तो यहाँ पे देखिए, ये दो न्यूज़ आई है दोस्तों। सितंबर 2020 में 4858 क्लर्कों की भर्ती का परिणाम आया था, उस परिणाम को रद्द कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। उस परिणाम को रद्द कर दिया गया है और 3 महीने में नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने का आदेश है वो दिया गया है 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट ने किया 4858 क्लर्क की भर्ती का परिणाम खारिज, आयोग को फटकार। कहा, किसी आवेदकों को अदालत में आना पड़ा तो आयोग करेगा खर्च भुगतान, ठीक है। तो संशोधन कर नए सिरे से मेरिट तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। 3 महीने में रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और फ्यूचर में सावधान रहने की भी हाई कोर्ट ने नसीहत दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मामला क्या था दोस्तों, यहाँ पे सेट से क्वेश्चन पेपर के सेट अलग अलग थे, ठीक है। उनके पर्सन, किसी में 1 नंबर वाला क्वेश्चन दूसरे पेपर में 5 नंबर पे था, किसी में दूसरे तीसरे क्वेश्चन वाला नंबर वो दूसरे सेट में आपका 10वें नंबर पे था, इस तरीके से। और उनके जो ऑप्शन हैं ABCD, उनको भी इंटरचेंज किया गया था। तो यहाँ पे HSSC ने कौन से पर्सन में, तो किसी आंसर को उसका उत्तर ए मान लिया, लेकिन दूसरे में किसी का उत्तर वो अलग मान लिया, गलत मान लिया मतलब, ठीक है। तो ये पूरा मामला था कोर्ट में, और यहाँ पे अब HSSC को फटकार लगी है और बताया कि ये जो मुख्य भर्ती है, इन मुख्य भर्तियों में भी इस प्रकार की यदि गलती की जाएगी तो कोर्ट उसको सहन नहीं करेगा, और अगली बार आपको यदि आपने ऐसा काम कर दिया तो भारी भरकम जुर्माना आपको लगाया जा सकता है, और जो आवेदकों का खर्चा होगा वो भी HSSC से लिया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका HSSC का जो क्लर्क भर्ती का परिणाम है वो दोबारा से आएगा, ठीक है। और यदि आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप मेरे पास कोशिश कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका रोल नंबर निकालने की, कोशिश बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, जितने भी सफल हुए ना लोग, सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, जिनके एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं, जिनके नौकरी लगी है, उन सभी ने एक ही बात बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने चाहिए। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए पूरे हरियाणा में, हरियाणा के इतिहास में पहली बार CET की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, 41 परीक्षा केंद्र हैं हमारे जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए और फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। धन्यवाद।